टोटल अभी तक जो है हमने 117 किलो जो है वो हीरोइन जो है वो हीरोइन या हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो बरामद किया है, और 2,31,00,000 से प्लस अमाउंट, क्योंकि अभी भी उसकी वो चल रही है डिटेलिंग, वो रिकवर किया गया है। इसमें ये बताना चाहेंगे अभी आपको कि 25 तारीख को ही एक मेजर जो यहाँ पे कैच पुंछ पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलके किया था, कि उसमें 3 लोग जो हैं वो हमारे पास गिरफ़्तार हैं, जिनको अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको दिखाया जाएगा। और इन 3 लोगों से हमारे पास 3.5 किलो का हीरोइन जो है वो बरामद हो चुका है, और इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो वर्कआउट की जा रही है। ऑब्वियसली ज़्यादातर लिंकेज अक्रॉस द बॉर्डर हैं, लेकिन मेन लैंड में भी काफ़ी सारी लिंकेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और भी कुछ स्टेट्स में, वो भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जब वो डिटेल्स आएंगी तो आपको वो भी हम शेयर करेंगे। उसके बाद कल शाम वाले ऑपरेशंस पे आते हैं, मोहम्मद रफ़ी की बात करते हैं या रफ़ी लाला की बात करेंगे कल। तो रफ़ी लाला के बारे में ऑलरेडी पुलिस को काफ़ी इनपुट्स थे कि ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो इस आधार पे पुलिस ने ऑलरेडी उनको फरवरी के लास्ट वीक में डिटेन किया था अंडर PSA, जो आपके यहाँ पे पुंछ जेल में अभी डिटेन है। लेकिन इनकी डिटेंशन के बाद भी कंटिन्यूसली पुंछ पुलिस को कुछ इनपुट्स लगातार आ रहे थे, कि जिस इनपुट के बाद कल जो है एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया एक जनरल एरिया में, और उस एरिया के साथ साथ इनके घर की निस्बत भी जब इनको कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो लोकल मैजिस्ट्रेट्स और एक बहुत ही पुराना और परमानेंट कॉन्टैक्ट और एक बहुत बड़ा नार्को स्मगलर है कि जिस जो यहाँ से पैसा जमा करके टेररिज्म के लिए इस पैसे को यूज़ करता है, मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में काफ़ी बड़ी हेल्प होगी, और इसकी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें काफ़ी सारी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं हमको अभी कवर करनी है, क्योंकि कुछ लीगल वजह से और कुछ टेक्निकलिटीज़ अभी हो रही हैं, तो हम अभी आपको वो कैश यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं, और हमारे पास वो फ़ोटोज़ हम आपको ज़रूर अभी शेयर कर पाएंगे जो SSP साहब अभी आपको उनकी जो वहाँ स्पॉट पे इस वक्त ये चल रहा है डिटेल्स, तो उनकी फ़ोटोज़ और बाकी डिटेल्स जो है आपसे हम शेयर करेंगे। तो हमें लगता है कि आप सबका हमको सपोर्ट चाहिए, इसलिए लिंकेजेस जहाँ जहाँ से अरेस्ट होंगे बाकी डिटेल्स होंगी तो उसमें मीडिया का हमको सपोर्ट चाहिए, ताकि इस नार्को टेररिज्म जो एक नेक्सस बन रहा है, विशेष सर्कल बन रहा है, तो इसको जड़ से उखाड़ा जाए। सर, क्या लगता है कि पंजाब में भी इसके लिंक हैं? अभी प्रिलिमिनरी तो लग रहा है, और भी जगहों पे हैं, मैं स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अक्रॉस द कंट्री हैं काफ़ी सारी स्टेट्स में इनके लिंकेजेस हैं, उनको भी हमने वर्कआउट करना है। जो कल्प्रे